स्वागत है मरोंग फाचिया रेसिपी चैनल में सकान चिको नम सक्सुआ मरोंग फाचिया रेसिपी चैनल ना ताल दे या मच्छू को लाओ खंबे मुंग सुकना मिया आज तो हम बीफ फ्राई करेगा। इसको लौकी के पत्ता के साथ बनाएंगे। ये देखो ये लौकी के पत्ता है, इसको भी हमने धो के रखा है। बारिश की वजह से ये सब खराब हो रहा है, इसलिए हम इसको काट के अभी सब्जी बनाएगा। आप लोग भी देखिए हम कैसे बनाएगा। ये चॉप किया हुआ गार्लिक, ये जिंजर है और ओनियन, ये हमने बॉईल करके रखा था बीफ, इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, बॉईल किया है। अभी हम इसको बनाएंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दे सोना बचेंगे नो क्या थारी रहा गमकोन। ये तेल भी गर्म हो गया है, हम इसमें ये प्याज और मिर्चा डाल देंगे पहले। ये प्याज भी थोड़ा नरम हो गया है, अभी हम इसमें जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप किया हुआ है इसको डाल देंगे। लहसुन गप्पो किचन लहसुन सेंदमन जिंजर गार्लिक भी हो गया है, हम इसमें अभी हल्दी डाल देंगे। हल्दी थोड़ा सा, ये भी हो चुका है। हम इसमें अभी जो हमने कट के रखा था बॉयल बीफ इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, साइड साइड में ये देखो लाल लाल हो गया है। अभी इसमें हम जो लौकी का पत्ता है, लाओ खंबे कारों में लाओ खंबे कहता है, इसको हम डाल देंगे। लौकी का पत्ता, इसमें अभी लाओ खंबे यानी लौकी का पत्ता डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा मिक्स करते रहेंगे और डालते जाएंगे, मिक्स करेंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। और मिक्स करेंगे
अब इसमें हम थोड़ा सा नमक देंगे, थोड़ा सा। पानी आना शुरू हो गया है, ये करके कुक करेगा। अभी खुल के देखेगा, ये लौकी का पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, सूख गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हो जाएगा और थोड़ा सा देगा, ये हो जाएगा। को कवर करके उबालने के लिए छोड़ देंगे। यह है बीफ और लौकी का सब्जी, एकदम सिंपल सा, इसमें मसाला नहीं डाला है। आज तो सिंपल सा बनाया है हमने। ये देखिए, लाव खम्बे और मच्छी को निकेन सुग्रो पाया लोंगेन थोआ हांगदी नमनका नासो नमनका मा नमनक चमा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। आप लोग पे जो जो बीफ खाता है वो ट्राई करके देखो, लेकिन जो नहीं खाता है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है, स्किप करो। ये देखिए, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।